अक्षय तृतीया का व्रत साल 2015 में 21 अप्रैल को है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:53 से लेकर दोपहर 12:20 तक है। अक्षय तृतीया हिंदू धर्म के अनुसार एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस दिन शास्त्रों के अनुसार सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इसी दिन श्री बद्री नारायण के पट भी खुलते हैं। मान्यता ये भी है कि इसी दिन नर नारायण ने भी अवतार लिया था और परशुराम जी का अवतरण भी इसी दिन हुआ था। वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में केवल इसी दिन श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं, अन्यथा पूरे वर्ष वस्त्रों से ढके रहते हैं। अक्षय तृतीया के दिन व्रत करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और दुख और दरिद्रता का नाश होता है। अक्षय तृतीया व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में सदाचारी और देव ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाला धर्मदास नामक एक वैश्य था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए वो सदैव व्याकुल रहता था। उसने किसी से इस व्रत के महात्म्य को सुना। कालांतर में जब यह पर्व आया तो उसने गंगा स्नान किया, विधिपूर्वक देवी देवताओं की पूजा की, नारियल के लड्डू, पंखा, जल से भरे घड़े, जौ, गेहूं, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना और वस्त्र जैसी दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों को दान दी। स्त्री के बार बार मना करने, कुटुंब जनों से चिंतित रहने और बुढ़ापे के कारण अनेक रोगों से पीड़ित होने पर भी वह अपने धर्म कर्म और दान पुण्य से विमुख नहीं हुआ। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। अक्षय तृतीया के दान के प्रभाव से ही वह बहुत धनी और प्रतापी बन गया। वैभव संपन्न होने पर भी उसकी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं हुई।